देखें मुझे सिर्फ आईडी को देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको की क्लास दूंगा। और मैंने कहा तो कॉलम वन के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी, और इवन यही क्लास ना मैं हर जाकर हर पहले टीडी को दूंगा, क्योंकि हर पहला टीडी क्या है, आईडी को डिनोट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो हर पहले टीडी को एग्जैक्टली सेम क्लास जाके अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है, और ये आगे भी बहुत काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भूले ना, इस चीज को मल्टीपल टाइम यूज करके देखें, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ इसको मल्टीपल टाइम अपने पास भी यूज करके देखिएगा आप लोग, आगे बहुत काम आएगा। ये सेव किया, इसका एग्जीक्यूट कर लिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं जाके कॉल वन को कुछ स्टाइल देता हूँ, ठीक है, जैसे उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूं, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूं या कम कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा सेव? हाँ मोहम्मद अली, क्या होगा अगर मैं कॉल वन को जाके कुछ स्टाइल दे दूं, तो क्या होगा, पूरे पहले वाला जो इंटायर कॉलम है ना पूरे टेबल में, उसका क्या होगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ बैकग्राउंड कलर कर देते हैं चेंज, देखा इस तरह यकीनन आप भी कर सकते हैं। क्या मतलब, बन तो गए ऐसे, एक के नीचे एक ही तो बन रही है, देखें ये एक बना हुआ है। अरे बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी याद है, यहाँ पे लगी हुई है ना, अभी हट गई तो अलग अलग हुआ ये, बस आप ये कर दीजिएगा। मैंने तो प्रॉपर्टी सिखानी थी ना बेसिकली, मैंने तो अपने बेसिकली आपको बताना था कि भाई ये प्रॉपर्टी भी एक चीज होती है, बस इसलिए मैंने पढ़ाया ये, इसको हटा दें आप। हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया एक काम तो, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेल का कलर देना है, लेट से मुझे देना है, ये जो मेरे पास एहसन है ना, एहसन इसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इस फर्स्ट में ये फिजिक्स पढ़ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ इस फिजिक्स वाले सेल का कलर चेंज हो जाए, इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए। लेट से इसको मैं रेड कर दूँ, डार्क रेड कर दूँ, और फिर व्हाइट इसका फॉन्ट हो जाए, और उसकी फॉन्ट साइज भी बड़ा कर दूँ, तो देखें क्या होगा। यहाँ पर मैं एहसन का रिकॉर्ड तलाश करूंगा, ठीक है, और ये जो क्लास है ना यहाँ पर मैं एक और क्लास ऐड करूंगा। अच्छा यहाँ पर नहीं करूंगा, इसका जो टी आर है, ठीक है, चाहे तो आप वो टी आर देख लें, या फिर आप ना एग्जैक्टली टीडी में आए और यहाँ पे एक क्लास दे दें। अच्छा इतने छोटे छोटे कामों के लिए हम क्लासेस नहीं देते, हम अप्रोच क्या बनाते हैं, हम इनलाइन सीएसएस को यूज कर रहे होते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे स्टाइल लिखा, और इसके इनवर्टेड कॉमास में आपको जो भी स्टाइल देना है आप क्या करते हैं, वो अप्लाई यहाँ पर करते हैं। जैसे कि ये सीएसएस टाइप हो रही है, एचटीएमएल टाइप नहीं हो रही। कलर है क्यों पिंक, यार उदैफा, तो अभी देखिए आप हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये चीजें काम में आ सकती हैं, इसलिए बताइए, वरना बिल्कुल भी बताने का इरादा नहीं था। ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कुछ समझ में आएगा और कुछ काम बनेगा। अरे भाई बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी हटा दीजिएगा, वही तो देखना है आपने कि वो कैसे बनेंगे, यही तो करना है आपने, बिल्कुल अब आपने यही तो करना है कि आप ये कैसे हटाएंगे, नहीं तो मैंने देखना है जी। तो आप क्या करो कि फॉन्ट स्टाइल वगैरह अप्लाई कर दो, टेबल के अंदर जो फॉन्ट की फैमिली, हाँ फॉन्ट फैमिली मैं पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आगे चल के पढ़ते हैं, अभी बेसिक फॉन्ट्स पे काम करो, ठीक है, फिर आगे चल के देख लेंगे इनको। भाई ये पूरा एक टेबल बनेगा, या फिर आप चाहें तो आप तीन चार टेबल बना लें, डिपेंड करता है आप पर, अलग अलग है, लेकिन ये एक भी टेबल है, टेबल तो पूरा एक है ना, पीरियोडिक टेबल एक होता है, अलग होता है, एक होता है ना, ये तुम्हें एक पूरे टेबल में बनाना है।
जी सब एक में बनाना है जी। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, देखो मेरी बात, जरा देखो मेरी बात आप लोग। इधर मैंने कॉलम स्पैन पढ़ाया था, अभी पढ़ा था ना, मैं टीडी को क्या कर रहा था, जैसे मैंने ये कॉलम ऐड किया, ये क्या लिखा हुआ है, एच हाइड्रोजन का वन लिखा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन के बाद क्या, ये टू टू वाला जो कॉलम है ये क्या है, एम्प्टी है। और ये कहाँ तक एम्प्टी है, 17 तक है ना भाई। पहले वाले उसमें, पहले वाले उसमें क्या होता है हमारा जो क्या होता है यार, पहले वाला जो पीरियड, पहला जो पीरियड है हमारे पास, ये ग्रुप्स लिखे हुए ना, पहला जो पीरियड है हमारा, पहले पीरियड में ग्रुप नंबर 1 से लेकर और ग्रुप नंबर 18 तक कितने एलिमेंट्स हैं, दो है। कौन कौन से, हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो मैंने हाइड्रोजन के बाद क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा टी एच याद है ऐड किया था, फिर उसको मैंने क्या किया था, कॉल स्पैन देकर कम कर दिया था, एंड तक ले गया। तो अब जितने बचे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कॉलम का मैं स्पैन दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वहां तक क्या हो जाएगा, ये कॉल स्पैन अप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा अब्दुल्ला, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बस। तो ऐसे काम करना है। नहीं सर, इंतहाई माजरत के साथ मैं आपको कभी ये बना के नहीं दिखाऊंगा। क्या कह रहे हैं, अरे यारो नहीं बनाए, खैर कहाँ स्टार्ट जा रहे, स्टार्ट स्टार्ट नहीं बनाए। अच्छा सुनो भाई, सुनो मेरी बात, ये जो हमने, आप लोग देख रहे हो कि डिफरेंट जगहों पे स्टार्स बने हुए हैं, ग्रुप और पीरियड के साथ एरोज बने हुए हैं, ये आपने नहीं बनाने, ये आपने नहीं बनाने, ठीक है। इतना सेंस तो आपके रीडर को भी होगा ना, कि आप जब डिजाइन अच्छा करोगे तो वो खुद ही समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। ग्रुप पीरियड एक सेल में लिखोगे, स्टार्टिंग वाले में जहां पे तुम वन लिखोगे, वन वाले से पहले भी तो एक सेल होगा ना, और जैसे वन ये नीचे वाला ऐसे भी ऊपर एक सेल होगा, तो उस वाले सेल में ग्रुप स्लैश पीरियड कर देना। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेहतरीन करें, ठीक है। सेम बनाना है, सेम कैसे नहीं बनेगा, इनके नंबर्स नंबर्स कुछ नहीं देने, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं बस, नहीं नंबर नहीं देने, सिर्फ एलिमेंट्स के नेम्स देने, वही शॉर्ट फॉर्म के साथ, बस इनफ है। वो तो देने ना यहाँ पे 1, 2, 3 देने ही ना। यहाँ पे ग्रुप पीरियड लिख देना, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ाते रहना। उसके बाद रोज बढ़ा दी जाए, डेटा आता जाएगा, रोज बढ़ा दी जाए, डेटा आता जाएगा, रोज बढ़ाते जाए, डेटा आता जाएगा, फिर और क्या। एटलीस्ट अपने से अपनी तरफ से ना बेहतरीन ट्राई करें, ठीक है, बन जाएगा ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये वाला पीरियड टेबल किसी इंसान ने बनाया होगा, मतलब टेबल का यूज करना जरूरी है। ये वाला पीरियड टेबल भी किसी इंसान ने बनाया होगा, फरिश्ते तो आए नहीं होंगे बनाने के लिए, है ना। तुम भी बना सकते हो यार, बिल्कुल बना लोगे, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अभी से कॉन्फिडेंस रहेगा कि बना लेंगे तो बस बना लेंगे, टेंशन नहीं है कोई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हमसे ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये, हम बना सकते हैं। सबसे अच्छा देखना बिलाल बना के लेकर आएगा। कौन कौन बोल रहे हैं, फैजाब बोल रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं घर जाके तुम कंप्यूटर भी नहीं खोलोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। अभी तुम ऐसे बोल रहा है, अभी क्लास में ऐसे बोल रहा है, बाद में खबर लेगा फिर तुम्हारी, ठीक है। अच्छा तो खैर मैं कर दूंगा। आप लोगों ने देखा कि अभी हम टेबल में जैसे कलर्स वगैरह अपने हिसाब से किसी भी सेल का कलर चेंज करना है, लेट्स से प्रोडक्ट टेबल में आप चाह रहे हैं कि किसी एक सेल का कलर आप अलग बता दें, ठीक है, तो आप उनको इस तरह से क्लासेस देके उसका सेल डिफरेंट या कलर वगैरह डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर ना और डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं,
जैसे अगर हम आगे बढ़े तो पिक्चर्स लगानी होती है हमें, लगानी होती है ना पिक्चर्स। तो अब वो पिक्चर्स, पिक्चर से पहले ना एक और कॉन्सेप्ट होता है डिफ का, डिविजन्स, वो डिविजन्स कहलाते हैं। डिफ का टैग होता है, लिखते DIV है, और वो डिविजन्स कहलाते हैं। बेसिकली अपनी वेबसाइट में ना हम डिविजन्स बनाते हैं। अभी रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन एक्स्ट्रा टाइम वो खुद में कोई मैसेज चलती रहेगी इस पे। होता क्या है कि अपनी स्क्रीन को हमें डिवाइड करना होता है। लेट से ये बोर्ड हमारी स्क्रीन है और मुझे इसके टॉप सेक्शन के अंदर ना यहाँ पे कोई चीज शो करनी है, कोई एक नंबर है मेरी वेबसाइट का नेम है जो मुझे शो करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा माय मैंने माय वेब लिख दिया यहाँ पे है। यहाँ लेकर आना है, आप बताएं क्या कैसे करेंगे आपको। अगर मैं आपको कहूँ यार ये करना है, टैक्स लगाने वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्या अलाइनमेंट दोगे? सेंटर से थोड़ा सा आगे जाके रुक जाओ। सेंटर से नहीं है भाई, ये देखो ये सेंटर हो सकता है, इससे नीचे आ जाओ, ये सेंटर हो सकता है, ये कहो ये सेंटर से थोड़ा सा आगे जाके रुक जाओ। ये लेके दिखाओ, आओ जरा, आओ जरा, नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं भाई। आज मुझे पढ़ने का मौका मिले, ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं एक नई, इसको करंट फोल्डर में सेव करेंगे अपने आज के। भाई नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं आज। अब सोचो तुम बिलाल, सीखने को मिल रहा है नया नया, तो मैं क्यों ना छोड़ू। चलो भाई मैं यहां पर ना ये लिख देता हूं, मेहनत कम करनी पड़ेगी तुम्हें। देख ले सब लोग कोई गलत तो नहीं कर रहा ना, मैं बहुत बिल्कुल नूब हूं मैं कोडिंग करने में। वो हमने एलिमेंट सेलेक्टर लगा लिया ना। चलो भाई टेक्स अलाइन डैश अलाइन डैश डैश ये भी भूल गया। अरे तो आगे तो बढ़ो, तुम तो बैठे हो ना। चलो अब बताओ। ठीक रहूंगा, मुझे क्या पता। राइट पे पूरा राइट हो जाएगा, चलो आ जाओ वापस। मार्कर का अच्छा ठीक है। होता क्या है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट में यही डिविजन बनाने लगता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, फिर मैंने क्या किया होगा, मैं वेबसाइट पे स्ट्रक्चर में लेके चलूंगा। अभी पिक्चर वगैरह से पहले ना एक पहले ये चीज समझ रहे थे आप, लेआउट का टॉपिक हम छोड़े, पिक्चर वगैरह को बाद में देखेंगे, आप फिलहाल लेआउट को स्टार्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट ना एक लेआउट में चल रही होती है। हम जो भी काम करते हैं, होता क्या है कि वेबसाइट का कोई ना कोई लेआउट होता है। आप देखते हो कुछ कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है कि एक अच्छा बीच में एक अच्छी सी पिक्चर लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में, और फिर नीचे से आइटम स्टार्ट हो रहा है। जैसे कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो क्या होगा, अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरह से बनती है। भाई ड्रॉइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं मेरी यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, आप लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लेट्स से है नहीं, आप लोग करेंगे तो ना बाद में क्लास के बाद। ये हमने बना दिया, बनाया क्या
यहाँ पे लेट से हमने कोई लोगो दे दिया और यहाँ पे ना हमने कोई वो जो अभी लिंक्स बना रहे थे हम उस तरह से हमने ये लिंक्स बना दिए लेट से ठीक है। आप इसे नेविगेशन बार कह लें, आप इसे मेन्यू कह लें, व्हाटएवर यू वांट ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना एक पेज का कवर टाइप का बना दिया। अक्सर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो मेन एक पिक्चर लगी होती है, बैनर जिसे कहते हैं, वेबसाइट का बैनर कहते हैं उसे ठीक है। एक बैनर सा लगा हुआ होता है और उसमें बड़ी सी पिक्चर वेबसाइट के वाले से लगी होगी। तो ई कॉमर्स में जाएंगे तो आप प्रोडक्ट्स वगैरह के वाले से कोई चीज लगी होगी। फिर क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे उसमें ना प्रोडक्ट स्टार्ट होती है। फिर मजीद सेक्शन ऐसे बने हुए होते हैं ठीक है। तो ये पूरा वेबसाइट का ना लेआउट कहलाता है कि वेबसाइट किस तरह के स्ट्रक्चर पर खड़ी है। तो आप बताएं आप इसमें से क्या बना सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, हम इसमें से ये कर सकते हैं इधर ठीक है। ये लेफ्ट साइड से हमने बना ली। अच्छा ये लोगो भी बनाना सीख लिया, पिक्चर लगा देंगे तो वो तुम लोगो अपनी अलग पिक्चर वहां पे सेट कर देना ठीक है। वो भी आ गया समझो, बस हम पहुंच गए इसके करीब बहुत आसानी से। वेबसाइट के ऐसे लोगो कितना बड़ा होना चाहिए डिपेंड करते हैं तुम्हारी वेबसाइट कैसी है और तुम कौन सी प्लेस पे लगा रहे हो। अगर यहां कहीं लगा रहे हो बैनर में इस तरफ राइट साइड पर या लेफ्ट साइड से लगती हो लोगो पे मतलब लोगो यूजुअली लोग लगाते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ठीक है। ये कभी कभी ऐसा होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लगा के सेंट्रलाइज कर रहे होते हैं, सेंटर में लगाते हैं टॉप पर। लेकिन अब जो तुम बना उसमें क्या पता लेफ्ट पे सेंटर में डिपेंड करता है कि तुम काम कैसा कर रहे हो। तो ये ना एक लेआउट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने जो टेबल पढ़े ना इसके अंदर कोड तक टेबल से बनता रहे, टेबल से आप लोगों से प्रोडक्ट टेबल नहीं बनाया जा रहा, लोग ये बनाते थे टेबल से। और मेरा मूड हो रहा था कि मैं आपको ये बनाने के लिए दे दूं लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अब छोड़ो मैं डेव से ही बना दूंगा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये बनाना है। अब से ना हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के अप्रोचेस को लेकर चलें, डेव्स बना रहे हैं आपस में इस तरह के बॉक्सेस बराबर ठीक है। बिल्कुल आगे काम करोगे तो मजा आएगा ठीक है। तो अब ये लेआउट है, ये लेआउट कैसे होता है, ये लेआउट ना दो तरह के लेआउट होता है, या कह लो कि हम लेआउट्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो स्टाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं। बैठो सामने, एक होता है बॉक्स लेआउट और एक होता है फुल विड्थ लेआउट ठीक है। अब ये फुल विड्थ लेआउट क्या होता है और बॉक्स लेआउट क्या होता है, कोई तुक्का भी मार सकते हैं यहां पे क्लास में, बॉक्स लेआउट और फुल विड्थ लेआउट कहाँ से स्टार्ट करते हैं मिलाल, तुम बताओ। मिलाल क्लास में एक बना रहा है तो सब ना बोले, मिलाल बताओ बॉक्स लेआउट क्या हो सकता है और फुल विड्थ क्या हो सकता है। बराबर है तुम्हें अहमद बताओ बॉक्स लेआउट और फुल विड्थ तुम्हारे ध्यान में क्या बात आती है, सुनकर कुछ बात आती है ध्यान में बेटा तुम लोगों की बारी आने वाली है, बेइज्जती करता हूँ क्लास में तो ठीक ठाक करता हूँ, होने वाली हो जाएगी जी। बताइए आगे आप बताएं, यहाँ पे मतलब ये कैसा होगा, आपको कैसा लगता है ये वाला कौन सा लेआउट होगा, फुल विड्थ होगा या बॉक्स लेआउट होगा। फुल विड्थ होगा अच्छा, और बॉक्स लेआउट अगर मैं कहूँगी ये बॉक्स लेआउट इसे बना दे तो कौन सा बॉक्स कौन सा फुल विड्थ, ये एक ही बना हुआ है ना, कौन सा वाला, ये वाला ये और ये बॉक्स है, आप बताएं। हाँ आसान बन गया, आसान है यार, तुम बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, मजाक नहीं हो रहा।
ये बॉक्स है या फुल वेट है? और बॉक्स क्या होता है? फुल वेट क्या होता है? कौन से बीच वाले बॉक्स है? और फनी बॉक्स क्या होता है? फुल वेट क्या होता है? उन लोगों को नहीं पता था, हमने कॉलेज में नहीं पता, एक ने ट्राई की तफरी है, ये नहीं बड़ा आसान है यहाँ, ये क्या है, ठीक कर लेंगे। तो कोशिश क्या करोगे यार, जरा खामोश रहा करो, अभी बताएंगे ज्यादा चेहरे में मुंह चला जाता है, किसी आम बंदे ने नहीं करवाया ये वाली बात, लेकिन जिसने करवाया अगर नहीं भी जाता होगा ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो जरा एहतियात करो, वैसे ही पैर लगनी चाहिए, ठहरी लेते हैं इनको भाई, तो इसलिए भाई एहतियात करो, ठीक है। हाँ तो वैसे ही हमारा इतना अच्छा नहीं है, उस पर भी हंस रहे हो और अपने आप को और मजीद डाउन कर रहे हैं, ऐसा बताओ तुम भी हंस रहे हो। दराज वेबसाइट ओपन की होगी, ठीक है, अच्छा किया यार। तो अक्सर अच्छा चलो खैर अमेजोन ओपन की होगी, अमेजोन वेबसाइट के ऊपर जाया करो, फिर टॉप है ना वो जो स्ट्रिप स्टार्ट होती है लेफ्ट से स्टार्ट होकर बिल्कुल कहां एंड होती है, राइट पे स्क्रीन के, तो वो फुल विड्थ लेआउट की निशानी होती है, ठीक है। और ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती है जो कि थोड़ा मार्जिन से स्टार्ट होती है, जैसे हमारी ये करंट वेबसाइट यहाँ मार्जिन से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये बीच का एरिया क्या है, एम्प्टी है, ये माय वेब भी लेट से मिटा दूंगा, तो बीच का एरिया क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया, ये वाला एरिया भी क्या हो गया लेट से एम्प्टी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा अभी, बॉक्स लेआउट। और अगर मैं इसी को जरा स्ट्रेच करके पूरे पे लाऊं तो क्या कहलाएगा, ये तो इस तरह से काम हो रहा होता है, बिल्कुल इसकी सेटिंग होती है, इसको सेट करना पड़ता है वापस, हमें पोजीशन चीजों की सेट करनी पड़ती है बार बार, ठीक है। तो ये H1 को हम हटाते हैं और यहाँ पर अब वो डिव बनाते हैं, तो ये आप लोगों ने टैग देखा डिव, इसको मैं क्लास दे लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स से अगर हम मल्टीपल डिव्स बनाना, अच्छा अभी फिलहाल पिक्चर लगाते हैं और ये लेआउट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी मुश्किल नहीं बनाते इसको, ठीक है। फिलहाल इसमें पिक्चर लगा के देखते हैं कैसे लगती हैं, और बाकी जो चीज़ें ना अभी सिर्फ समझने के लिए, नेक्स्ट क्लास में उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो डिव लगा, मुझे इसके अंदर पिक्चर लगानी है, दो काम कर सकता हूं, या तो डिव में मैं बैकग्राउंड पिक्चर लगा सकता हूं, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं, इंटरनेट से जरा पिक्चर ले लेते हैं कोई अच्छी सी, अरे अभी कोई रैंडम पिक्चर चाहिए, अभी कोई कुछ नहीं, आप सब लोगों ने वो गूगल फॉर्म फिल कर दिया था जिस मैंने आपको दिया था, सब लोगों ने यहाँ पर, किसने नहीं किया था फिल भाई, कब फिल करोगे, वो चाहिए मुझे, उसमें मुझे काम है, वो रिकॉर्ड तुम लोगों का रखना है मुझे, ठीक है। ड्रीमवीवर में हम दोबारा आ गए अगेन, ठीक है, डॉट डिव वन ऐसे ही है,
अब ये डिव बन तो गई है, लेकिन अब ये डिव मुझे नजर नहीं आएगी क्योंकि ना इसकी कोई विड्थ और इसकी कोई हाइट नहीं है। जब तक मैं इसको कोई विड्थ या कोई हाइट नहीं दूंगा, ये मुझे अपेयर, मेरे सामने अपेयर नहीं होगी, तो इसको कोई विड्थ दे लेते हैं। अच्छा, विड्थ बाय डिफॉल्ट हर आइटम की हम पहले देख चुके हैं क्या होती है, 100%। उस दिन हमने याद है H1 की देखी थी, वो हेडिंग वगैरह की देखी थी, उसे कम करके भी देखा था, तो आपको अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, विड्थ कर लेते हैं लेट से 300 पिक्सल और हाइट कर लेते हैं जी 1200 से अबव होता है स्टैंडर्ड स्क्रीन के अंदर, हाइट कर लेते हैं 200। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज ब्राउज करें, इस इमेज के फोल्डर में आ जाए और ये इमेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और बस टर्मिनेटर लगा दें और यहाँ पे इसको जरा रिजल्ट करके देख लें। यस, अरे रुको तो जरा अभी। अच्छा, इशू ये है कि पिक्चर का साइज बड़ा था, लेकिन हमने ना उसको अपने जो हमारे पास, ये देखो पिक्चर का साइज था इतना सारा, लेकिन हमने क्या किया, हमने डिप इतनी छोटी बनाई कि देखो पिक्चर का साइज तो वही यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन क्या हो रही है, बाकी पिक्चर वो डिप के अंदर ही कहीं जा रही है हमें नजर नहीं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, फर्ज करो अब मैं डिप तो बड़ी करूंगा नहीं एक छोटी सी पिक्चर के लिए, है ना, क्योंकि जाहिर है मुझे कल कोई ई कॉमर्स की ऐसी वेबसाइट बनानी है तो पूरी स्क्रीन पर एक डिप नहीं चाहिए, मुझे 3 डिप्स चाहिए, तो मुझे पिक्चर को कम ही दिखाना है, छोटे दिखाना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड साइज कवर, अभी भी थोड़ी सी आउट हो रही है, अभी ना मसला ये है कि पिक्चर जो मुझे शो हो रही है ना वो राइट साइड की तरफ जा रही है ज्यादातर पिक्चर आप देखें सेंट्रलाइज नहीं है, इसको सेंट्रलाइज भी करना है। अच्छा, वो ये पिक्चर मिली जिसकी अलाइनमेंट थोड़ी आउट हो रही है बार बार, इसको सेंट्रलाइज भी करना है ना, तो क्योंकि जाहिर है अक्सर ऐसा होता है कि हम पिक्चर्स को ना कभी ऐसा हो गया हमने एडिट किए बगैर निकाली इंटरनेट से, साइज छोटा था हमने कहा यार यही लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम करती है, उसको फिर हमें हैंडल करना पड़ता है। तो बैकग्राउंड पोजीशन अभी बेहतर हो गई ना, अभी भी अच्छा पूरी नहीं आई है, अभी भी पूरी नहीं आई है, देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो कट रहा है, बट इश्यू क्या है कि अब पहले से इतनी बेहतर है कि ये प्रेजेंटेबल है कम से कम, है ना, प्रेजेंटेबल है कम से कम, इसको 350 कर दो तब ये सारी आ जाएंगे। तो ये यहां देखो और यहां देखो पूरी पिक्चर शो हो रही है अब तो, सही है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। अच्छा, इमेज लगाने का एक और भी तरीका है, देखो हर जगह बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाई जाती, ठीक है, कुछ जगहों पर आप इमेजेस भी लगाते हैं, मतलब आप एलिमेंट एक बेसिकली इमेज का एक एलिमेंट होता है, कुछ जगहों पर हम क्या करते हैं वो इमेज का एलिमेंट भी यूज करते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, अब वो इमेज का एलिमेंट यूज कर लेते हैं, उसके लिए मैं एक अलग फाइल बना रहा हूँ HTML की ताकि बाद में कंफ्यूजन से आप लोग बच सकें। एक मिनट डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आता हूँ जी। डिस्कनेक्ट करके यार कनेक्ट कर लो दोबारा, देख लिया सबने दोबारा, सेव कर लेते हैं। हाँ हाँ मसला नहीं है, वन वन फोर ही है भाई, सेम है। यार एक मरतबा ट्राई करो दोबारा, फिलहाल एक मरतबा दोबारा ट्राई करो यार, काम तो करें मैडम पहले।
पहली क्लास है, मोबाइल वापस में चला जाए 86 मैच थी। पास पे तो मिल जाएगा ना, पास पे तो वापस नहीं होगा ना, है पास करने पर 7 मॉड एग्जाम्स होंगे। सही है यार, हमारे वाले पेरेंट्स तो कहते हैं बेटा कमाई, बेटी भी कमाई है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो इमेज का टैग अब मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है ना, मैंने बिल्कुल छोड़ा भाई, कुछ यूज नहीं कर रहा। कनेक्ट हो गए दोबारा, अब इमेज का भी एक टैग होता है, देखो इमेज, ये इमेज का अपना डेडिकेटेड टैग है, यानी पूरा एलिमेंट है इमेज का। सोर्स इसको ब्राउज करो, और इमेज का फोल्डर अभी मुझे मिल ही रहा है डायरेक्टली, ठीक है खत्म। ये पूरी पिक्चर शो हो रही है अब, ठीक है अब पिक्चर वो कट नहीं रही है, लेकिन आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, आप चाह रहे हो यार छोटी होके शो हो आपको, ठीक है मतलब एक मिनट। सही, टेक्स अलाइन कैसे लग जाएगा, कि टेक्स थोड़ी है, इसमें लोगो डिजाइनिंग नहीं है, क्या करवाते हैं। अच्छा अब इसको कोई हाइट दे करना है, इसको क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो। टेक्स से मैंने कहा यार इसकी हाइट मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 300 पिक्सल्स। हाँ डिपेंड करता है अपनी पिक्चर ही अपने आपको ना उसका परसेंटेज, जैसे 100 पे 20 पे ले जाए, 30 पे ले जाए, ठीक है। बट यहाँ पे जो देते हो ना सो वो पिक्सल्स में देते हो, जो यहाँ पे दे रहे हो ना तुम तो, यहाँ पिक्सल्स में दोगे जी, जरूरत नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ही पिक्सल्स के अंदर गेट करेगा। अभी देखा मसला हुआ यहाँ तक कोई, ठीक है। अच्छा लेट से आप लोग सोच रहे हो जब इसको हाइट देते हैं तो इसको विड्थ भी दे सकते हैं, है ना, और जाहिर है हमारे लेजेंड्स हैं वो देखेंगे भी, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा उनको, ठीक है। तो उसको 100 हम ही देके देख लेते हैं यहाँ पर आपके सामने, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भी ऐसा किया ताकि आप कल को ये किसी के सामने ना करें, ठीक है, क्योंकि एक पिक्चर की विड्थ और हाइट आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा ही है ना, अगर विड्थ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ जाएगी और पिक्चर बढ़ती है डायगोनली। अगर आप पिक्चर को हाइट या विड्थ के हिसाब से बढ़ाएंगे तो हाइट तो इतनी रह जाएगी, लेकिन विड्थ कम होगी क्या हो जाएगी, पिक्चर बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी। वो नहीं करना मुझे ना, मैं ऐसा करूंगा कि हाइट तो इतनी रहेगी लेकिन मैं इसको पूरा एक्सपेंड कर दूं तो पिक्चर ऐसे खिंच जाएगी फिर खराब हो जाएगी, ये भी नहीं करना, ठीक है। या तो हाइट दे या तो विड्थ दे, ऑटोमेटिकली विड्थ का हाइट, अगर आप हाइट दे रहे हैं तो विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, अगर आप फिट दे रहे हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। अगर लेट से एक मिनट, और मैं चाह रहा हूं कि अभी पिक्चर शो नहीं हो पाई, अब ये कम इश्यूज आते हैं, या तो सर्वर सही नहीं चल रहा आपकी जिस वेबसाइट जहां पर आपकी डिप्लॉय हुई है, या तो वो सर्वर लैग कर रहा है, या तो वो सर्वर आपकी फाइल्स को लोड नहीं कर पा रहा, या तो लेट से कोई फाइल ऐसे डिसलोकेट हो गई है, किसी गलत जगह पे रख दी है, ठीक है, आप कंप्यूटर में ही काम कर रहे हो, आपने गलती से पिक्चर कहीं और रख दी बाद में, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता तो चले कि किस चीज की पिक्चर है ना। अभी पता चल रहा है, तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि हमारी ये, हम कोई टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि यार लेट्स से अभी पिक्चर तो शो नहीं हो रही,
लेकिन अगर पिक्चर नहीं शो हो रही तो उस टाइम पे क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट अपेयर हो जाएगा, और जब पिक्चर शो हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो ये टेक्स्ट चला जाएगा। अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब ही क्या है कि वो पिक्चर के ऑल्टरनेटिव पे शो होगा, अभी जरूरत ही नहीं है उसकी तो शो भी नहीं हो रहा है। ऑल्टरनेटिव पे टेक्स्ट लगता है, बता देते हैं यहां तक मसला कोई।